बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मोहम्मद हसीबुल्लाह है और आप देख रहे हैं एचए व्लॉग्स। अभी मैं शानदार सेमिनार हो रहा है उसकी अपडेट देने के लिए आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं, जिसका मौजू कम्युनिटी पॉलिसिंग अवेयरनेस है। और यहां पे मुझे स्पेशली इन्वाइट किया है सर फरजन अली ने, बाबा जी ने। और अभी चलते हैं इस इवेंट को कवर अप करते हैं। और इस इवेंट को जो होस्ट कर रहे हैं वो यूरो टाइल्स की तरफ से इवेंट होस्ट हो रहा है सोलेजियम इनसाइड। इसके अलावा लेकिन जब जो हमारा मेजर जो हमने काम करना है, जो हमारे पाकिस्तान में फर्स्ट रखी है सब वाले के खिलाफ या बड़ी महंगी बेचते हैं, इसी तरीके से अगर आप हम इधर की बात करते हैं हाला की साइड पर, जहाँ उनकी जो शॉप्स बनती हैं वो बड़ी कीमती होती हैं, बड़ी महंगी बिकती हैं, लेकिन इसी तरीके से उनकी मार्केट क्या नहीं है, हम उनका एक्सेस देना चाहते हैं ताकि वो लोग डायरेक्ट एक्सेस भी हो और वो लोग यहाँ पर इसके साथ काम भी कर सकें। पर फिलहाल उसको क्रेडिट शॉर्ट सर से लोग आपको सुनने के लिए आए हैं, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा काम करेंगे और रोटरी को आप फ्यूचर में मेजबानों के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाइएगा जिन्होंने आज शानदार तरीके से गुलाम नबी बेगम साहब, फैज उल्लास खान पटेल साहब, हमारे भाई मुराद सोनी साहब आज के होस्ट फुरकान भाई, आज आईजी साहब जो यहाँ तशरीफ लाए, ये एक ऐसे अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं समझता हूँ लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को शामिल कर लें तो 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट। हो सकता है कि थोड़ा कम ज़्यादा हो, लेकिन इट इज ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज प्रोजेक्ट। और ये सारा पब्लिक के पैसों से, लोगों के पैसों से, आप जैसे लोग जो उनको डोनेशन दे रहे हैं और जो उन पर ट्रस्ट करते हैं, ये इनका एक ट्रस्ट है जो लोगों को जो फर्क है। और इस ट्रस्ट की वजह इनका किरदार है कि परफॉर्मेंस से इश्क हो जाए, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए। आपने देखे नहीं है मगर ऐसे लोग बुजुर्ग हकीम से बात कीजिएगा। मोहतरम शाह आई जी से गुलाम नबी बेगम साहब। आप सबका आपने मेरी इज्जत बख्शी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम नबी बेगम साहब, रिजवान भाई, सुफियान भाई, मैं सबका नाम ही नहीं सुनता, मैंने कहा सबको बहुत बहुत शुक्रिया कहूँ। बाकी इमरान भाई बोलेंगे, कल में साहब ने इतनी तारीफ कर दी, मैं कुछ और बोलने की जरूरत नहीं मुझे। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मार्शल साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे एयरलाइन के, एविएशन इंडस्ट्री के बड़ा ज़बरदस्त नाम है। मोहतरम जनाब रानी साहब बैठे हुए हैं, साहब गिरानी साहब बैठे हुए हैं, मोहतरम जनाब मुजमिन साहब तो यकीनन ऐसे चार्टर प्रेसिडेंट इन्होंने सर्व किया है, बहुत सारे ऐसे बॉसेस हैं हमारे ग्रामीण हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब जो है हमारे स्पोर्ट का एक ज़बरदस्त आसन है। अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे, अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे, हाथ को जाओगे आसान पर जान जाओगे, अपने परचम का रंग कहीं भुला मत देना, सब शर्णों से जब खेलोगे तो जल जाओ, तेज कदमों से चलो, तसादों से बचो, भीड़ में से चलोगे तो जल जाओ।
मुझे बार बार कहते हैं कि अभी टेंशन चाहिए, और इस पर एक दो एस पी भी फारिग हुए, जब नहीं कर उन्होंने किया तो फारिग हो गए। तो मैंने उनको कहा कि भाई ये याद है, थोड़ा लंबा ज़्यादा बात कर गया, मैं 10 मिनट मजीद दूंगा। रोटरी से है ना, थोड़ा सा वो मतलब आपने कहा कि भी ज्वाइन कर लें, मैं पहले ज्वाइन कर चुका हूँ, मुझे बैच लग चुका है, तो मैं थर्ड ईयर है मेरा, ऑनरी मेंबर हूँ रोटरी का, जस्ट 5 मिनट्स। मोहतरम जनाब मुश्ताक सरकी साहब, जो कि रोटरी के बड़े मेंबर भी हैं, बड़े सीनियर और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, हमारी बात के सिलसिले मेहरान पर खूबसूरत तोहफा अजरक और संदीप होगी, जो कि यकीनन हम अपने मौजूद मेहमानों को पेश करते हैं, जिनसे हमें बड़ा प्यार होता है। तो मानूम सजन सोहरा, शाह साहब कहते हैं शादी लगी बचाने के, मानूम सजन सोहरा पखिए सगला मंज, मानूम सजन सोहरा पखिए सगला मंज, केंखे मानूम मंज अचे हुए महार जे। और गुलाम नबी मेमन साहब ने यकीन इसी तरीके से खुशबू आती है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सरकी साहब से कि मोहतरम जनाब मुराद सोनी साहब की खिदमत में भी यह अजरक का तोहफा पेश करें। मैं सुफियान आदमी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बैठ जाए। साहब भाई आ जाइए सर। अच्छा, बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। इमरान चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, इमरान साहब अगर मौजूद हैं तो बड़ा मेहरबानी तशरीफ लाएं। फारूक अफार साहब की तो ये भी अगर मौजूद हैं तो बड़ा मेहरबानी तशरीफ लाएं। और आज की इस तकदीर के हवाले से जितने बिल्डर्स बैठे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यूरो टाइम्स ने जिस तरीके से आज की इस तकदीर का इनकार किया है फरमान साहब ने और इमरान साहब ने, इनके टाइल जरूर इस्तेमाल कीजिएगा सर, और इन्हें अल्लाह मजीद तौफीक दे के वो इस तरह के दीगर तकालीम की भी मेज़बानी करते रहें, और एहतमाम के साथ आप जरूर शामिल हों ताकि सुफियान और इमरान भाई फरमान भाई सब मिलकर जी सारा टाइम से उन्हें किया। चले वेल डन जी, मुझे बताया गया सुफियान ने कि इमरान भाई ने और फरमान भाई ने एडमार्क के स्पोर्चन के लिए टाइम स्टूडेंट किए हैं, इतनी जोरदार तालियां बजाइएगा कि यकीन सर ये बड़ा शानदार काम है, कि अल्लाह ताला इसी तरह से आपके कामों में मजीद इजाफा करें।
अस्सलामुअलैकुम मैम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैम इंट्रोडक्शन दीजिए और रोटरी प्लैटिनम क्लब के बारे में ज़रा बताइए, कब से है ये? रोटरी प्लैटिनम को बने हुए 6 ईयर्स हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्लब है और इस क्लब से हमारे गवर्नर भी माशाल्लाह नॉमिनी हुए, मिस्टर रिजवान आडिया। और दूसरा ये कि माशाल्लाह से हमारे सारे मेंबर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो है सब मिलके रहते हैं सब बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि हम सब रोटरी का मकसद ये है हम सब मिलके जो नीडी पीपल्स हैं जिनको हमारी ज़रूरत है उनके काम आते हैं। अच्छा, मैं तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि एच ए वी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़। जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान ज़ैदी है, मेरा ताल्लुक मुस्लिम फतरी कम्युनिटी से है और मेरा ताल्लुक जो है इंडियन गारमेंट मैनुफैक्चरिंग कम्युनिटी से भी अलहमदिल्ला। तो यहाँ एक रोटरी क्लब प्लैटिनम का एक इवेंट था मोइनपीक होटल में ना, तो यहाँ अलहमदिल्ला हम लोग आए और अल्लाह के फजल से इतना अच्छी इसको शर्फ हासिल है कि मैं अब इस सिनेरियो में सबसे पहले अपनी कम्युनिटी से रोटेरियन बनने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं यहाँ आया, मैंने देखा बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, देखिए सोशलिटी है। तो मैंने अपनी कम्युनिटी के दूसरे लोगों से भी कहा कि यहाँ आए और अल्हम्दुलिल्लाह लोग काफ़ी आए हैं और आ भी रहे मौजूद इंशाल्लाह। तो मैं अपने दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि रोटरी ज्वाइन करें और यहाँ आकर इसके फ़ायदे आपको पता चलेंगे कितने फ़ायदे मिल सकते हैं। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? लोगों के लिए तो यही मैसेज है, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहे, आगे की देखें इंशाल्लाह, आगे की राह बहुत वसी है। और वो कहते हैं, क्या कहते हैं, लूज़र जो होता है ना वो विनर पे नज़र रखता है और विनर जो है ना वो विनिंग पे नज़र रखता है। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इमरान चूड़ी। इमरान चूड़ी, सर आप किस, क्या कहते हैं, पेशे से वाबस्ता हैं? जी, मेरा गारमेंट्स का बिज़नेस है और आज मैं रोटरी की तरफ से पहला विजिट है मेरा और मुझे आज पिन का तोहफा दिया गया है रोटरी फैमिली की तरफ से और मैं बड़ा मशहूर हूँ रोटरी के तमाम अहदेदारों का। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकअल्लाह। अच्छा, तो ख़वातीन व हज़रात, मैं अभी जिन शख्सियत के साथ मौजूद हूँ इनका नाम मुश्ताक सरकी है। और सर कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक मेहरबानी। तो सर बताइए, रोटरी प्लैटिनम क्लब में आके जो कि होस्टेड था यूरो टायर्स की तरफ से, आपको कैसा लगा? देखें, आई एम प्राउड फैमिली मेम्बर ऑफ रोटरी क्लब कराची प्लैटिनम। ये एक ज़बरदस्त बुके है, मुख्तलिफ जो प्रोफेशनल्स हैं, पीपल बिलोंग टू डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, ये उनका एक गुलदस्ता सजा हुआ है। तो हमें तो हमेशा खुशी होती है और आज का इवेंट तो ज़बरदस्त अमेजिंग रहा और ये मैंडेटरी इवेंट है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देख रहे हैं कराची में, आए दिन ये स्ट्रीट क्राइम में इंक्रीज देखने को मिलता है। तो इस मौजू पर आईजी साहब का एक फ्रूटफुल जो स्पीच थी वो, फिर कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से जो सोनी साहब के प्रेजेंटेशन थी, उसके बाद आइडिया साहब की और हसनैन परदेही साहब हमारे जो प्रेजिडेंट हैं, एक ज़बरदस्त एक फ्रूटफुल ये प्रोग्राम रहा। और जो मेज़बान थे हमारे इमरान साहब, फारूक साहब, उनको मुबारक और तमाम पार्टिसिपेंट्स को मुबारक। मुबारक। अच्छा सर, जैसे आप हमारे जैसे बच्चे हैं जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? बी पॉजिटिव, बी पेशेंट एंड बी एनर्जेटिक ऑलवेज। तो ये देखें, सोशल मीडिया पे मेरी अपनी बड़ी ह्यूज फॉलोइंग है, वो तब मुमकिन बनती है जब आप, हमारा जो यूथ है नेगेटिविटी से हट के पॉजिटिविटी की तरफ आएगा तो इट्स सेल्फ एक उसमें चेंज भी आएगा और बेहतरी भी होगी। हमने मिनसिल कौम पाकिस्तानी मुल्क की बेहतरी के लिए, कराची खुशहाली के लिए आगे बढ़ना है और मुश्तरका जॉइंट वेंचर में बेहतरी के लिए कोशिश और काविश करनी है। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ ब्लॉगर के हवाले से, तो अभी आपने पूछा कि मुश्ताक सरकी साहब कौन है, तो एक पश्तों का डायलॉग है, आप मत
तू बदर मुनीर को जानता है? तू बदर मुनीर को नहीं जानता, हम तुमको नहीं जानते। वैसे ही ऐसा है, जो सिंध में मुश्ताक सर की साहब को नहीं जानता, हम उसको नहीं जानते। लव यू, लव यू, थैंक यू सो मच सर। तो सर ये ख़वातीन हज़रात मुश्ताक सर की साहब थे, और उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। सो इसी तरह मेरी वीडियो को सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ हसीबुल्ला साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।